गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नया वीडियो लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में मैंने आपको दो प्रकार का फ्यूल सप्लाई फुल फीड सिस्टम बताया, जिसमें आपका था ग्रेविटी फीड सिस्टम और दूसरा पंप फीड सिस्टम। ग्रेविटी फीड सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं, हमारा वो है पंप फीड सिस्टम के बारे में। आइए शुरू करते हैं पंप फीड सिस्टम। पंप फीड सिस्टम, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। ग्रेविटी फीड सिस्टम में ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो डीजल फ्यूल था वो इंजेक्शन पंप तक पहुंच रहा था। पंप फीड सिस्टम में जो डीजल फ्यूल है वो FIP पंप तक पंप के माध्यम से पंप की सहायता से पहुंचाया जा रहा है। आइए बात करते हैं पंप फीड सिस्टम की। इस सिस्टम में डीजल की सप्लाई पंप के द्वारा की जाती है। इस सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन पंप के समरेखा या कुछ दूर फ्यूल टैंक फिट रहता है। इसमें एक पंप फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचकर फ्यूल को खींचता है और फ्यूल इंजेक्शन पंप की फ्यूल गैलरी में भेजता है। इस सिस्टम में जो डीजल फ्यूल है उसको टैंक से FIP पंप तक पंप के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ग्रेविटी फीड सिस्टम में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा FIP पंप तक वो सप्लाई पहुंचती थी। आइए बात करते हैं इसके मेन पार्ट्स की। इसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेन पार्ट जो आता है आपका वो आता है फ्यूल टैंक। दूसरा पार्ट वाटर सेपरेटर। नंबर थ्री फीड पंप। नंबर फोर लो प्रेशर पाइपलाइन। फ्यूल फिल्टर
फ्यूल फिल्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP, ये पूरे का पूरा जो पार्ट है ये FIP, फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये फिल्टर, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप। उसके बाद हाई प्रेशर स्टील पाइप, हाई प्रेशर स्टील पाइप और इंजेक्टर, इंजेक्टर, ओवरफ्लो पाइप, ओवरफ्लो पाइप, बेंजो बोल्ट, बेंजो बोल्ट, यहां पे बेंजो बोल्ट, यहां पे भी हर जगह पे जहां पे भी पाइप का कनेक्शन किया गया है वहां पे बेंजो बोल्ट इसमें फिट किए गए। ये इसके मेन कंपोनेंट्स थे। आइए बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ये काम कैसे करता है। FIP पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो इंजन के ऊपर फिट रहता है और इसकी FIP पंप की पुल्ली जो है ये इंजन के टाइमिंग गियर से, इंजन क्रैंकशाफ्ट के गियर से या इंजन के टाइमिंग गियर से ड्राइव लेती है और चलती है। इसके ऑपरेट होने से ये फीड पंप ऑपरेट होता है और फीड पंप के ऑपरेट होने से ये लो प्रेशर पंप है, ये पंप क्या करता है, इसी के द्वारा फ्यूल टैंक से, ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक का काम फ्यूल को स्टोर करना है, फ्यूल को इकट्ठा करके अपने पे रखना है। तो जब ये फीड पंप, जब इंजन ऑपरेट होता है तो फीड पंप ऑपरेट होता है और फीड पंप जब ऑपरेट होता है तो उसके अंदर सक्शन होती है, सक्शन के कारण फ्यूल टैंक से फ्यूल जो है वो पाइपलाइन, लो प्रेशर पाइपलाइन के माध्यम से वाटर सेपरेटर से क्रॉस होके वाटर सेपरेटर में जब ये फ्यूल जाता है तो अगर इसके अंदर कोई पानी की कुछ मात्रा है तो वो पानी जो है वाटर सेपरेटर के अंदर पानी नीचे बैठ जाता है और फ्यूल यहां से फीड पंप में जाता है और फीड पंप उस फ्यूल को दबाव के साथ आगे लो प्रेशर पाइपलाइन से भेजता है और लो प्रेशर पाइपलाइन से यह फ्यूल फिल्टर में जाता है और फ्यूल फिल्टर के अंदर यह फ्यूल जो है वो फिल्टर होके साफ होके इस लो प्रेशर पाइपलाइन के द्वारा फिर यहां पे FIP पंप की फ्यूल गैलरी के अंदर चला जाता है। फ्यूल गैलरी के अंदर जब जाता है तो यहां पे ये जो FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये हाई प्रेशर पंप होता है, ये जो फ्यूल गैलरी में फ्यूल आया उसके अंदर हाई प्रेशर पैदा करता है और हाई प्रेशर पैदा करके ये आउटलेट है 1, 2, 3, 4, जितने सिलेंडर इंजन होगा उतने ही उसके अंदर FIP के ऊपर आउटपुट होंगे। तो यहां से एक पाइपलाइन मैंने जोड़ी हुई है तो यहां से जब इंजन ऑपरेट हुआ फ्यूल यहां से गैलरी में पहुंचा, FIP पंप ऑपरेट हो रहा है, कैमशाफ्ट उसकी चल रही है, उसी कैमशाफ्ट के द्वारा जिसके द्वारा ये पंप चल रहा है उसी के द्वारा इसके अंदर का पंप भी, FIP पंप के अंदर का पंप भी ऑपरेट हो रहा है और उसने हाई प्रेशर यहां बनाया। हाई प्रेशर बना के जब यहां से हाई प्रेशर पाइपलाइन से होके गया तो वो इंजेक्टर में गया और इंजेक्टर के अंदर से यहां पे इंजेक्टर नोजल से इसके अंदर कंबर्शन चैम्बर के अंदर सिलेंडर के अंदर छोटी छोटी स्प्रे हो गई और यह है ओवरफ्लो पाइप। ओवरफ्लो पाइप जब फ्यूल, जितना फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे किया जाएगा वो इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे होगा और अधिक जो फ्यूल होगा वो ओवरफ्लो पाइप के द्वारा वापस फ्यूल टैंक के अंदर चला जाएगा। यह था आपका पंप फीड सिस्टम। पंप फीड सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, उसे हम बात करेंगे फ्यूल फीड सिस्टम के कंपोनेंट्स की। फीड सिस्टम के कंपोनेंट्स जैसे सबसे पहले आपका आएगा फ्यूल टैंक, वाटर सेपरेटर, फीड पंप, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। आप सभी ने डीजल इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम देखा होगा, फीड पंप कहां पे फिट होता है, FIP पंप के ऊपर फीड पंप फिट होता है। इस फीड पंप के ऊपर एक हैंड प्राइमिंग पंप
डीजल इंजन में आपने देखा होगा कि गाड़ी के स्टार्ट करने से पहले कई बार उसके अंदर पंपिंग की जाती है, हाथ के द्वारा पंपिंग की जाती है। तो वो फीड पंप के ऊपर एक हैंड प्राइमिंग पंप फिट रहता है, उसको हाथ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और ये पाइप्स जितनी भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये बेंजो बोल्ट्स के द्वारा ज्वाइंट की गई हैं, और ये पाइप्स बीच में से इनमें से ही जो डीजल फ्यूल है वो सप्लाई किया जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होगा, जिसमें आपके पंप फीड सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक कंपोनेंट के बारे में इसमें बात होगी। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, साथ में ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आए। थैंक यू।